हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल अबाउट मायरा चैनल। सो आज हो गया है नेक्स्ट डे और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अमेज़न से ऑर्डर की थी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें ऑर्डर की थी, कबर्ड में जो हम बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं कबर्ड ऑर्गेनाइज रखने के लिए, तो वो उसकी अनबॉक्सिंग हुई थी। अभी आज के व्लॉग में मैं वो सारी चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ। मेरी एक कबर्ड है जो बिल्कुल हमने डंप यार्ड बना रखा है, हर चीज़ हम वहाँ लाके डंप कर देते हैं, फिर वो आयरन के कपड़े हो, कोई फाइल्स हो, कुछ ओढ़ने के दोहर वगैरह हो, सब बस उसमें डंप कर देते हैं बिकॉज़ वो एक एक्स्ट्रा कबर्ड है और उसमें सब एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन अभी मेरे भाई भाभी आने वाले हैं और उनको उस कबर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, सो उनके लिए हम थोड़ा सा स्पेस निकालेंगे और उस कबर्ड को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें मैं उसमें यूज़ करने वाली हूँ और मैं देखने वाली हूँ कि कितनी चीज़ें हैं जो मेरे एक्चुअल यूज़ में आती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो मैं रिटर्न करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। इस ब्लॉग में आपको मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन टिप्स बताऊँगी, मैंने कैसे अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज की है वो आपके साथ शेयर करूँगी और क्या क्या मैंने ऑर्डर किया था उसका एक क्विक रिकैप दूँगी। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी वो कबर्ड जो आप देख सकते हैं, पूरी डंप यार्ड बनी हुई है बिकॉज ऑब्वियसली हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। तो ये है और नीचे कुछ कुछ सामान रखा है। इसमें नीचे जो सामान रखा है ये कुछ क्लियर होगा, आज ये यहाँ से निकलेगा और ये घर से बाहर जाएगा। और ये कुछ कपड़े हैं जो कि बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहे हैं, बस ऐसे ही रखे हुए हैं, इन्हें भी हम यहाँ से खाली करेंगे, चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे और ये स्पेस मैं पूरा खाली करूँगी सो दैट जब वो लोग आएँ तो वो अपना सामान यहाँ रख सकें, हैंगर्स यूज़ कर सकें, कपड़े टांग सकें और उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए काम पे लगते हैं, पहले मैं ये सब खाली करती हूँ फिर मैं शुरू करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो ये हो गई है कबर्ड खाली। अब हम पहले करेंगे इसकी क्लीनिंग, इसकी डस्टिंग एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओ ओ, ये तो मैं भूल ही गई, इसमें भी तो सामान है। ठीक है, पहले हम ये ऊपर का सेट कर लेते हैं फिर हम अंदर का करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने कबर्ड क्लीन की थी उसी तरह से हम ये बास्केट्स को भी क्लीन कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। इसमें आप अपने कपड़े रखने वाले हैं धुले हुए, सो बहुत इंपॉर्टेंट कि आप कॉलिन से या किसी चीज़ से अच्छे से क्लीन कर लो फिर उसमें कपड़े रखें। तो ये बास्केट ऑर्डर करने का मेरा तीन मेन रीज़न था। एक तो ये कि इसकी डेप्थ बहुत है, अच्छी खासी बड़ी बास्केट है, इसमें आप बहुत सारे कपड़े स्टोर कर सकते हो। दूसरी कि इसके साथ लिड आती है और तीसरा कि इसमें ये इस तरह से होल्स हैं तो कपड़ों में एयर बनी रहेगी, जो एक अलग से स्मेल आ जाती है ना वो नहीं आएगी कपड़ों। क्योंकि इस बास्केट में लिड है तो मैं इसमें वो कपड़े स्टोर कर रही हूँ जो मैं ओकेजनली पहनती हूँ, जो मैं डेली यूज़ में नहीं निकालती हूँ और कभी कभी निकालती हूँ, कभी कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मेरे स्पोर्ट्स वेयर हो गए, मेरे कुछ टॉप्स हो गए, कुछ कुर्ते हो गए जिनकी ज़रूरत मुझे रोज़ नहीं पड़ती है। तो वो सारे कपड़े मैंने इसमें जमा लिए हैं और फिर इसका ढक्कन अच्छे से लगा दिया और इसको मैंने पैक कर दिया। दूसरी बास्केट भी मैंने सेम तरह से अपनी सेट की है, इसमें भी मैंने वैसे ही कपड़े रखे हैं जिनकी ज़रूरत मुझे हमेशा नहीं पड़ती है। इसमें साजिद जी के एक आध जीन्स है, एक आध शर्ट्स हैं, मेरे कुछ कपड़े हैं, कुछ कुर्तेज़ हैं जो साल में कभी एक दो बार ओकेजनली निकलते हैं, लेकिन हम उन्हें कहीं अंदर कहीं कैबिनेट में या किसी बेड के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि फिर वो ढूंढने में मिलते नहीं हैं और फिर उनमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो बाहर ही रहें ताकि हमेशा फ्रेश रहें। और इसमें मैंने स्टैंडिंग पोजीशन में कपड़े स्टैक किए हैं क्योंकि मैं इसका ढक्कन ऊपर नहीं लगाने वाली, इसका ढक्कन मैं इसके नीचे रखूंगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ये पार्टीशन वाली बास्केट। इसमें इस तरह से पार्टीशन दिए हुए हैं जिसमें आप अलग अलग तरीके से कपड़े स्टोर कर सकते हो। तो इसके मैंने जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखे थे ना, मोस्टली लोगों ने इसमें अपनी जीन्स या पैंट स्टोर की थी। सो हमारे पास जीन्सेस हैं बट मोस्टली जीन्स रनिंग होती है कि वो हम ऑलरेडी पहन रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली मैं इसमें स्टोर नहीं करूँगी। इसमें मैं सिर्फ धुले हुए कपड़े स्टोर करूँगी। तो इसमें मैंने कुछ लोअर्स, कुछ टी शर्ट स्टोर की थी। मैंने इसमें एक जीन्स भी स्टोर की है लेकिन वो ना जब मैंने फोल्ड की तो उसमें अच्छे
अच्छे से फिट नहीं बैठ रही थी, फिर मैंने उसे वापस से निकाला और फिर से उसको फोल्ड किया, उसके बाद वो उसमें बराबर तरीके से बैठी। क्योंकि इसकी डेप्थ उतनी नहीं है कि आप नॉर्मल तरीके से फोल्ड करके उसमें एडजस्ट कर सको। और लास्ट में आता है मेरा ये वाइट वाला ऑर्गेनाइजर। तो ये ना एक लॉक सिस्टम के साथ है, इसे आप ओपन करोगे सो यू कैन लॉक इट हियर। देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। यस, सो अगर आपके ये यूज़ में नहीं है तो आप इसे वापस से फोल्ड करके कहीं पे स्टोर कर सकते हो, और अगर ये आपके यूज़ में है तो आप इसे इस तरह से रेडी कर लीजिए और इसमें अपने कपड़े स्टोर कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइज़र ना बाकी के ऑर्गेनाइज़र के कंपैरेटिवली थोड़ा सा चौड़ा है, थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा है इसकी। तो इसमें मैं अपने दोहर, अपनी बेडशीट्स या जो अपने गर्म कपड़े होते हैं, जैकेट्स एंड ऑल होते हैं, वो मैं स्टोर करूँगी। ये देखिए मैंने रेफरेंस के तौर पे आपको थोड़ा सा करके दिखाया है। और सेम एक और ऑर्गेनाइज़र था, तो ये 2-3 आए थे मेरे पास, तो दूसरे वाले में मैंने फाइल्स वगैरह सेट करके रखी है सो दैट इट विल लुक नीट और फाइल्स इधर उधर गिरेंगी नहीं। और बस मेरी कबर्ड ऑलमोस्ट सेट है। अब मैं ये हैंगर के कपड़े टांग दे रही हूँ और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी नीट और परफेक्टली ऑर्गेनाइज लग रही है कबर्ड। सो फ्रैंकली आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। इसलिए मैंने एक भी रिटर्न नहीं किया, तीनों रख लिए और तीनों सेट कर दिए। और फ्रेंड्स, उसके बाद कैम्फर की गोलियाँ डालना मत भूलिएगा, इससे आपके कपड़े फ्रेश रहेंगे और इंसेक्ट्स वगैरह से बचे रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो टाइम फॉर रिव्यूज। सो आपने देखा मैंने 3 तरह के ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर किए थे। जो पहला था जो बास्केट वाला था जिसके ऊपर एक लिड थी, जो दूसरा था जिसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, और जो तीसरा वाइट कलर का था जिसमें लॉक सिस्टम था। सो तीनों ऑर्गेनाइजर ऑर्डर करने से पहले मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे वार्डरोब ऑर्गेनाइजर के, और उसके बाद ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, बिकॉज मुझे देखना था कि मेरी रिक्वायरमेंट और मेरी नीड के हिसाब से कौन सा परफेक्ट बैठेगा। जब मैं ऑर्डर कर रही थी तब मैंने यही सोचा था कि इनमें से जो मुझे बेस्ट लगेगा वो ही मैं रखूंगी और उसके ही और क्वांटिटीज ऑर्डर करूंगी, बाकी मैं रिटर्न कर दूंगी। पर फ्रैंकली मेरी कबर्ड में वो तीनों इतने अच्छे से फिट हो गए और मुझे तीनों की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ी, इसलिए मैंने एक भी रिटर्न नहीं किया और मेरी कबर्ड एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज हो गई थी। तो ये मेरा एक ट्रायल, आप बोल सकते हो ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन का एक टेक्निक था, एक ट्रिक था जो मैंने किया। इसमें 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई कि हमेशा आप वार्डरोब को पहले पूरी तरह से खाली करिए, उसे क्लीन करिए, आपने जो भी चीज़ें ऑर्डर की हैं उसे क्लीन करिए और उसके बाद ही आप उसे यूज़ करिए। दूसरा मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसमें कैम्फर की गोलियाँ भी डाली हैं, वो डालना आपकी चॉइस है अगर आपको सूट नहीं होता है, लेकिन डालने से कपड़ों की फ्रेशनेस बनी रहती है। आप 6 महीने बाद भी निकालोगे तो उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए आप धूप में रख दो या खुली हवा में रख दो तो वो स्मेल निकल जाती है एंड यू कैन यूज़ इट, दोबारा आपको वॉश नहीं करना पड़ता। सो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने इस तरह से कोई वार्डरोब ऑर्गेनाइजर ऑर्डर किया है। मैंने हमेशा देखा था, एक बार मम्मी के लिए ऑर्डर किया था, तो बस मैंने यहाँ पे कभी ट्राई नहीं किया था। तो मैंने पहली बार ट्राई किया और मुझे मेरी कबर्ड काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज लग रही है। मेरे पास बाकी की भी कबर्ड्स हैं, मैं वो भी करूँगी, लेकिन मैं पहले देखना चाहती हूँ कि आप लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं इस व्लॉग के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर। आप लोगों को ये पसंद आया है कि नहीं, अगर आया है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं और भी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी और भी ऐसे वीडियोज़ लेकर के आऊँगी। और ये 3 जो मैंने ऑर्डर किए थे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दे रही हूँ, अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। सो बस दैट्स इट फॉर टुडे, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बाय बाय।